तो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। गाइज, आज हम बात करेंगे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के बारे में और स्पेशली डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में। डॉक्टर नोएरा शेख के बारे में एक इन्वेस्टर्स ने क्या कहा है, मैं उसका ऑडियो क्लिप भी आपको सुनाऊंगा और बताऊंगा कि उसमें उन्होंने क्या कहा है। मैं स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को क्लियर करता चलूँगा। तो आइए सुनते हैं उनके इस क्लिप को, उससे आपको पता चलेगा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में क्या चल रहा है। सच बोले, सच का साथ दिए, कभी बेईमानी गद्दारी वगैरह नहीं की। जिन लोगों के हमारे पास फोन आए उनको कितना समझाना था समझाया, और वो लोग जानते हैं। मैं ये चीज़ आज इसके लिए बता रहा हूँ, इसके पहले मैंने कभी नहीं बताया कि लोगों के मेरे पास फ़ोन आते थे वगैरह वगैरह, मगर आज ये बताया जा रहा है कि जितने लोगों के फ़ोन आए उतने को हमने जितने को समझाया वो लोग बात को समझ गए, समझे कि सही बात है। उसी तरीके से आज मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ और ज़रूरी समझता हूँ, इसके लिए बताना चाहता हूँ कि कल एक ग्रुप के अंदर बड़ी उथल पुथल हुई कि नोएरा शेख के पास बात की है वगैरह वगैरह। हाँ, ये बात सही है कि नोएरा शेख ने 25 तारीख को जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, जिसके अंदर कुछ बदमाशों की बदमाशियत की वजह से वो मीटिंग जो है सक्सेस नहीं हुई, 1250 लोगों के ऊपर चली गई, जिससे हकदारों को हक नहीं मिला। बात जिनसे होनी थी उनको उनसे बात नहीं हो चुकी। इसके लिए नोएरा शेख को भी वो चीज़ बुरी लगी और हम लोगों को लगी थी, वो तो सही बात है, उनको भी बुरी लगी कि जिन लोगों के लिए मीटिंग रखी गई वो मीटिंग नहीं, उनकी बात नहीं हुई। इसीलिए दूसरे दिन कुछ टुकड़े टुकड़े में मीटिंगें हुई, जिसके अंदर पहली मीटिंग के अंदर बाबू साबिर, नबियाउती, परवेज, मंसूर नाड़कर यानी उर्फ मंसूर चाचा, नोएरा शेख और अपने राजेश मिश्रा, हम लोग जो मीटिंग में थे। और अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूँ मोहतरम नोएरा शेख का कि इतने खुले दिल से और इतने खुले इसमें उन्होंने मीटिंग की कि हम लोगों ने 2.5 घंटा बात किए, हम चार जन 2.5 घंटा बात किए। हाँ, उसके बाद एक मीटिंग हुई, उतना टाइम नहीं हुआ, मगर हमारे को तो चार जन से 2.5 घंटा बात हुई और इतने खुले लफ्जों में, खुले अंदाज में हुई। यहाँ तक के बातें की गई कि जनवरी में हर किसी का पैसा मिलेगा। फितना फैलाने वाले फैलाते हैं, आदत होती है फितना फैलाने की। अब कहते हैं ना, मारने वाले का हाथ पकड़ा जा सकता है, बोलने वाले का मुंह नहीं पकड़ा सकता, उसकी जबान को नहीं पकड़ा जा सकता। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फितना फैला रहे हैं, वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ नेगेटिविटी फैला रहे हैं जो कि बिल्कुल गलत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर नोएरा शेख से मैं स्पेशली मिला हूँ और बहुत ही अच्छे दिल की मालिक हैं, उन्होंने डिटेल में बताई है। तो आइए गाइस सुनते हैं उनकी इस बात को। जो फितना फैलाया जा रहा है कि 12, 13, 14 ये बाहर बाकी के अंदर, इनको पैसे मिलेंगे इनको नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि पैसे मिलेंगे, हर किसी को मिलेगी, समझे। और यहाँ तक के कि कई लोगों को इस बात का इल्म नहीं है कि जिनका फूडेक्स में, टेक्सटाइल में पैसा था, वो पैसा जो है, ये सारा मामला होने में उनका पैसा जो है गोल्ड में कन्वर्ट होएगा, उन लोगों का पैसा गोल्ड में कन्वर्ट होगा, समझे, क्योंकि टेक्सटाइल और फूडेक्स जो है के डैमेज होना करना जो है इसमें होता है। तो इसके लिए जो है आप इनका पैसा जो है वहाँ डैमेज करेंगे और इस बिजनेस को बंद कर रही है, जो टेक्सटाइल और फूडेक्स है इसको बंद कर रही है, दूसरे बिजनेस चालू कर रही है, गोल्ड का तो है ही है और दूसरे बिजनेस चालू कर रही है। दूसरी बात, कई ऐसे जरूरतमंद थे जिनको आपा ने पैसा दी और ये जो कंपनी से
पैसे कटने की जो बात है, ये पैसे जो कट रहे हैं ये कंपनी छोड़ के जाने की वजह से। अगर आज भी जिसको कंपनी के अंदर जुड़े रहना है, अपना रेगुलर करना है, इंशाल्लाह फायदा जरूर देखेंगे आगे अपने वक्तों में, फायदा जरूर देखेंगे। अच्छा, ये भी एक इसमें बात बताता चलूं कि जिन लोगों ने पार्शल विड्रॉल किया था, आज वो कंपनी की स्कीम उनको पता चल रही है, तो जिसकी वजह से वो इसको रेगुलर करना चाहते हैं, वो रेगुलर कर सकते हैं, वो रेगुलर कर सकते हैं। आईबीजीओ इन जो आपको जो लिंक दी गई थी, आपने उसी फॉर्म में जाइए, वहाँ पे ईमेल में अपना रिक्वेस्ट डालिए, समझे। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जो लोग फॉर्म भरने में मदद किए हैं उन लोगों से कनेक्ट करके अपना फॉर्म को जो है, अपने फॉर्म की रिक्वेस्ट को जो है चेंज कर सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने ऑप्शन मन नहीं रखी है, कर सकते हैं, समझे। उसके लिए अपने उसी लिंक के ऊपर आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, और उसी के अंदर अपना रिक्वेस्ट डाल के ये करके अपना काम करना है। अभी फिल वक्त में हमारे इलाके से एक आदमी ने किया भी है ये चीज़ को। तो भाई ये बिल्कुल नहीं है कि ये बंद हो चुका है, ये हो गया नहीं, आप अपना कंटिन्यू करने के लिए अपना लिंक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, उस लिंक को इस्तेमाल करके आप काम कर सकते हैं। आपा से काफ़ी बातें हुई हमारी, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें समझ में आई और सब ने बात की। हमने चार जन ने किए, दूसरे दिन कुछ किए, और यहाँ तक बताऊँ कि ये जो आग लगाने वाला जो धंधा है ना, ये उन लोगों से बात ना होने की वजह से, उनकी बात आपा से नहीं हुई, आपा ने उनसे बात नहीं किया, इसके लिए उन लोगों ने एक हुमर फैलाने का ये किया है कि हम कंपनी को ऐसा ये करेंगे, लोगों को ऐसा पैनिक करेंगे, ऐसा पैनिक करेंगे कि कंपनी की हम वाट लगा देंगे। दोस्तों, जैसा कि उन्होंने बताया कि कुछ लोग कंपनी की वाट लगाना चाहते हैं, जैसा कि उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी उसमें सबसे आगे हैं जो कंपनी को बर्बाद करना चाहते थे, लेकिन उनसे ये नहीं हो पाया। उन्होंने डिटेल में बताई, आइए सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी की वो क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में। ऐसे वाट लगाने वाले आए भी और गए भी, असदुद्दीन ओवैसी ने बहुत कुछ कोशिश किया मगर अल्लाह ने चलने नहीं दिया, अल्लाह ने चलने नहीं दिया, क्योंकि ये कंपनी को अल्लाह ने एक जरिया बनाया, एक सहारा बनाया है। आज हमारी हालात को देखते हुए अल्लाह ने इसको जरिया और सहारा बनाया है, समझे। तो इसके लिए मेरे भाइयों, ऐसे ओबर फैलाने वाले बहुत आएंगे। मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपस से हमने बात भी की है कि हमको कोई ऐसा एक सीक्रेट ये मिले जिसकी वजह से हम लोगों की परेशानियां और लोगों की चीज़ों को सामने रखें, और आपा ने इसका वादा किया है कि जल्द अज जल्द मैं इसके बारे में कुछ करती हूँ, समझे, कि हम लोग जो है आपा तक ये बातें पहुँचाए और आपा इसमें हमारे साथ हमारे शाने बशाना खड़ा रह के इन बातों के लिए मदद करेगी, समझे। किसी की परेशानियाँ हैं, किसी का क्या दुख दर्द है, किसी का क्या है, इसके ऊपर आपा बोली मैं खास करके गौर करूंगी, खास करके गौर करूंगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चियों, मेरी माओ, मेरे भाइयों, मेरे बड़ों, मैंने कई साल पहले एक बात बोला था कि ये कंपनी अल्लाह ने एक माँ के समान हमारे सामने रखी है। इस माँ ने 18 साल लोगों को पाली पोसी बड़ा की और 18 साल के बाद ये बच्चे उस माँ को निकाल के बाहर फेंकने की कोशिश कर रहे हैं, समझे। तो बिल्कुल इस कंपनी का वही ये है कि 18 साल इस कंपनी से लोगों ने फायदा उठाया, खाया, मगर लोग जो है इसको बदनाम करने की अपनी हद तक कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, जब तक ये अपने उरूज पे नहीं आएगी ना, तब तक लोग इसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश करेंगे। और ये भी नहीं है कि जो जूने हैं
उनसे कंपनी ने रिश्ता तोड़ लिया ये भी नहीं है, मगर कंपनी अपने आप को संभालना ये जरूरी है। कंपनी संभलेगी तो आहिस्ता 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 सब संभलेंगे, सब संभलेंगे, समझे। तो इसके लिए मेरे अजीजों, बात को ख़त्म करते हुए इतना ही कहूँगा कि बात को समझने की कोशिश कीजिए। लोगों के बोलते ना बहकाने और करने, अपने अपने जो नाम बड़ा करने के लिए जो अपनी अपनी हरकतें करते हैं कि लोग मुझे बड़ा बोले बोल के, तो इसके लिए ऐसे लोगों से बचिए, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते ऐसे लोगों से बचिए, अपनी हिफाजत कीजिए। और जो कल तक तुमने तवक्कल किया अल्लाह पे, तो आज थोड़े से के लिए तुम्हारा और मेरा तवक्कल हट क्यों रहा है? हाँ, वो कहते हैं ना हाथी निकल गया धूप रह गई, तो इतनी सी चीज के लिए हमारा तवक्कल क्यों हट रहा है? हम तो तवक्कल किए थे अल्लाह पे, कल भी और आज भी और आगे भी करेंगे। बस तवक्कल कीजिए, तवक्कल अल्लाह की जात पे यकीन के साथ जो होता है वो तवक्कल ये होता है। अब तो दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कंपनी में क्या चल रहा है, कंपनी में किस तरह से नेगेटिविटी फैलाई जा रही, किस तरह से कंपनी को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो नहीं कर पाए और वो अपने मकसद में नाकामयाब हो गए। तो इन सारी चीज़ों की डिटेल आपको मिल गई होगी और आप कंपनी की तरफ से बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, जो भी डॉट्स होंगे आपके मन में वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो गाइज़ वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, थैंक यू सो मच।